दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे फिश करी और इसके लिए मैंने ये हाफ किलो रोहू फिश लिया है, जिसे मैंने अच्छे से ये वॉश कर लिया है और अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैंने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। और उसके बाद मैं फिश फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, हाफ एन आवर हो चुके हैं, हमारा ये फिश अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अब मैंने ये गैस ऑन कर लिया है और हमारा लगभग ये पैन भी बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। दोस्तों, हमारे सारे फिश हो चुके हैं और अब मैं सबको निकाल लूँगी। दोस्तों, हमारी ये सारी फिश फ्राई हो चुकी हैं और अब मैंने ये पैन ले लिया है, इसे मैंने गैस से ऑन करके गैस से चढ़ाया है और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और मसालों की तैयारी करूँगी। क्योंकि हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें उसमें ऑयल डालूँगी। मैंने आज तो मसाली भी थी फ्रेंड्स। अगर आप कभी भी मसाले वाली सब्जी बनाए, उसमें आप जब आप ओवन डालें तो ये मिट्टी का ही डालें। मैंने ऑनियन डाल दिए सरसों का, जो पेस्ट मैंने तैयार किया था जीरा का, उसे मैंने तैयार कर दिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो भी मैं ऐड कर दूँगी। रखा है वो मैं डाल दूँगी। मैंने मीडियम साइज़ के मैंने दो टमेटो लिए थे, उसे मैंने फाइनल चॉप किया है, वो मैंने उसे ऐड कर दिया। हाँ यार, दिस हल्दी पाउडर हिसाब से रेड चिली डालें, जितना भी आप खाते हैं उसके हिसाब से आप रेड चिली डालें। एंड नाउ आई ऐड सॉस आल्सो। तो भूनने से तब तक फ्राई करना है, तब तक भूनना है जब तक ये चारों तरफ से ऑयल ना छोड़ दिया और जब तक ये मसाले इसमें स्टिक ना होने लगे। मेरे दोस्तों, हमारा ये मसाला अच्छे से भून चुका है चारों तरफ से भी, और भूनने लगी है और वाटर ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने गर्म करके रखा है। मैं ये वाटर ऐड करूँगी इसमें। जैसी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से ग्रेवी रखें। मैं क्योंकि चावल पे सबको सर्व करूँगी, इसलिए मैं थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी। अगर आप रोटी या पराठे के साथ खाएं तो ग्रेवी थोड़ी कम ही रखें। जैसे खोल रहा है और मैं इसी स्टेज में इसमें जो ये है
फिश है वो ऐड कर देती हूँ। ये वन बाई वन करके इसे सारे फिश डाल दूंगी। देखो हमारी ये फिश हो चुकी है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी कोयंगली। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये फिश करी की रेसिपी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप और कौन से रेसिपीज देखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली वो आपके लिए लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है तो मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ प्लीज़ यूँ ही बनाए रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।